अप्रैल जो भी ये काम हुआ, काम से हम लोग बहुत खुश है। मतलब देखकर, मतलब जो आते हैं मेरे घर में वो देख के बोलते हैं कि तुम्हारा घर मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। दोस्तों अभी हमने खड़दा में एक काम किया है और वो कंप्लीट हो चुका है, हमने हैंडओवर भी दे दिया है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, जिनका घर है वही लोग दिखाएंगे और वही लोग बोलेंगे कि हमारा काम कैसा हुआ है या उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, ये बीए इंटीरियर है, इसको हम लोग, मैं सर्च किया खड़दा इंटीरियर करके, तो बहुत सारी मेरे को कंपनी मिला, मर्लिन मिला, बहुत सारा जगह से मुझे कोटेशन भी आया, उसका क्लाइंट भी यहाँ पे आया, आके नाप उप के गया, लेकिन उनका रेट में, इनका रेट थोड़ा ज़्यादा था, तभी भी मैं इनको काम दिया, क्योंकि इनका मैं यूट्यूब में चैनल में भी देखा, बहुत अच्छा इनका कुछ काम लगा था। अब कुछ जगह इनका रेट मुझे सस्ता लगा, कुछ जगह इनका रेट थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अभी ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा ये काम लगा है, जो भी काम है बहुत अच्छा काम किए हैं। जो इनके जो मिस्त्री है, दादा है और लालटू दा है, ये मोटू दादा है, ये लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और जो भी रिलेशन था ऑलमोस्ट 2 महीना का, बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो यहाँ पे 13-14 दिन विजिट भी किया, साथ साथ में इनके साथ भी था, वो समय भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद भी ये लोग आके खुद काम करते थे, हम लोग दोनों में से कोई नहीं थे यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किए हैं, जो भी किए बहुत अच्छा काम किया मैंने। मतलब जैसा मैंने एक्सेप्टेशन किया था अपने घर को लेकर, मतलब सब कोई, मतलब ये देख कर कि ये बहुत छोटा प्लेस है, ऐसा है या स्पेस नहीं है, कैसा घर बनाओगी, नहीं से सजाओगी। फिर उसके बाद भैया ने मुझे ये दिखाया कि इसको यहाँ बनाया जाएगा, किचन यहाँ बनाएंगे, ये यहाँ करेंगे से। तो उसके बाद ये जिस तरह से हैंड ओवर किए हैं मुझे अभी, मतलब देखकर, मतलब जो आते हैं मेरे घर में वो देख के बोलते हैं कि तुम्हारा घर मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब हर एक जन के मुंह से मैं ये तारीफ सुनती हूँ अपने घर को लेके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते हैं कि वो ये मंदिर है, मुझे पता ही नहीं था ये मंदिर है। और ये फ्रिज का जगह यहाँ पे नहीं है, ये फ्रिज का जगह वहाँ पे है, अभी इसका प्लाजर खरीद के उसको वहाँ पे सेट करेंगे, तो ये पूरा जगह पूरा फाका हो जाएगा। ये टीवी का यूनिट बॉक्स, ये दाद, ये जो भी काम है या बेड का, ये पूरा दादा ही नहीं किया है, फुल हाइड्रोलिक। तो दादा ने वार्डरोब भी किया पूरा, ये मेरा बच्चा का रूम है, 2 बेटियां का रूम है, बहन का रूम है,
ये अभी कोई काम इसमें है नहीं, अभी होगा ये अपने आप बंद होता है। ये तो रूम मेरा बच्चा का है, ये भी रूम बहुत प्यारा है, लेकिन सबसे सुंदर ये वाला रूम है। ये वाला कम दिखाई देता है, ये वाला रूम दादा 1 मिनट। ये जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, यह मैं दुबई में मेरा कंपनी बनाया था, मॉल में हमारा कंपनी ने सेम यही डिज़ाइन बनाया था, तो मैं दादा को ये मैं फ़ोटो खींच के भेजा। कलर कुछ ज़्यादा डिफरेंट डाला है बच्चा लोग का, लेकिन पूरा सेम जैसा मैंने दादा का फ़ोटो भेजा था सेम पूरा सेम बनाया है दादा ने। और दादा ने जो ये बनाया है, दादा ने ये हमको बताया, ये मैं बहुत कंफ्यूज था यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियो देखा और बहुत ओल्ड टाइप का ही स्टाइल था, लेकिन दादा ने ये बताया कि यहाँ पे ये एरो 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 करेंगे। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा लगे, ये भी बहुत अच्छा है डिज़ाइन। हाँ, इस घर में सबसे अच्छा लगा वार्ड्रोप, ये जो भी वार्ड्रोप है बहुत ही अच्छा लगा। वार्ड्रोप का जो डिज़ाइन है दोनों का सेम ही डिज़ाइन है, लेकिन इसका कलर बहुत सुंदर, ये दादा ने कॉम्बिनेशन किया है, कलर बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा फांका है भी। और इसमें का ये जो कलर है दादा, ये कलर का कॉम्बिनेशन मेरा कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया है, ये दादा ने इस कलर ये रूम का जो भी कलर है दादा ने इसका कॉम्बिनेशन किया है। मैंने बताया था इधर ग्रे इस रूम में ज़्यादा देने का, मेरे को ग्रे ज़्यादा पसंद है, तो दादा ने इधर ग्रे दिया है। इनका यह प्लाई का जो ये होता है सनमाइका का, ये भी ग्रे दिया है। ये ऊपर का फॉल सीलिंग, ये दादा का डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का, इन्होंने फर्स्ट टाइम में मेरे को भेजा था, तो मैं फर्स्ट टाइम में दादा को बोला ये फॉल सीलिंग इस रूम में रखने के लिए। और कलर का भी डिज़ाइन दादा का है, पूरा डिज़ाइन दादा का है। और ये जो बेड भी दादा ही बनाया है, ये जो बनाया है ये बहुत भारी है, वजन उठता नहीं है मेरे से, ये भी दादा ने ही बनाया है। जो पूरा घर का A to Z जो भी फर्नीचर का काम है पूरा दादा ही ने किया। यहाँ पे इनका टोटल 5 वर्कर काम करता था, जिसमें से 4 वर्कर कारीगर थे, 1 लेबर था, उसमें से जो सबसे सुपरवाइजर थे ये सुशांतो था। ये सुशांतो था एकदम मतलब इधर का गार्जियन के तरह, जो भी ये जो भी फिटिंग है हम लोग बोलते भी थे ऐसा नहीं करिए, लेकिन उन्होंने अपना जिम्मेदारी लेकर किया। ये डिज़ाइन का भी हम लोग बोलते थे ये नहीं देने के लिए, क्योंकि ये जो मेरा है ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर दादा ने ये क्या बोलते हैं इसको प्लाई दिया और सनमाइका लगाया, अंदर ये सॉलिड वॉल है। ये हम सोचा इसी तरह बोला था बनाने के लिए, बच्चा इधर बैठेगा और छोटा में था, लेकिन दादा ने इसको बढ़ाया है, ऊँचा किया है, अभी ये भी बहुत अच्छा लगता है। दादा के साथ विश्वजीत दा है, ये इलेक्ट्रिशियन भाई भी है विक्की भाई, और दो इनके साथ जो काम करते थे उनका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आपका सजेशन चाहिए, फ्री का सजेशन चाहिए, दादा से पूछिए, दादा का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको जो भी सजेशन देंगे सलाह देंगे बहुत अच्छा देंगे। ये मैं यहाँ पे बोला था यहाँ पे शीशा का वो करने के लिए, क्योंकि जो भी मॉडर्न है जो जूता होता बाहर से शो होता है किसका किसका जूता है, लेकिन दादा ने ये भी किया बहुत अच्छा किया। और ये इनबिल्ट है, यहाँ पे हम लोग वॉशिंग मशीन रखता है, और इसका अंदर लाइट नहीं जलाएगी, इसका अंदर हम लोग कपड़ा भी जो धोने का रहता है इधर रख देता है, सरफ भी इधर ही रखा है हम लोग, और जो भी कुछ जो सामान है घर का भी जो नया नया पूजा पाठ का है जो यहीं पे रखा हुआ है, और इधर भी स्टोरेज है, इसका भीतर भी स्टोरेज है, अभी लाइट नहीं है इसलिए आदमी देख नहीं पा रहा है। इसके अंदर अभी लाइट नहीं लगा, इसके अंदर मैं चाहेगा तो मैं इसके अंदर घुस के वो कोना में कुछ हिडन में जो भी कुछ सामान रखना आदमी रख सकता है। ये भी पार्ट जो है बहुत अच्छा है, कोई देखेगा नहीं, आराम से इधर कपड़ा दो आयरन वरन करके इधर डाल दो। और ये भी वॉश बेसिन है, ये अभी प्लम्बर मिस्त्री आ नहीं रहे ना, इसका जो वजह से ये वॉश बेसिन का काम क्लियर नहीं हुआ।
ये भी दादा ही नहीं किया है। ये वॉश मशीन का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, फिटिंग्स रखा हुआ है, जब प्लम्बर आएगा तो ये लगाएगा। ओवरऑल जो भी ये काम हुआ, काम से हम लोग बहुत खुश है और बहुत अच्छा है। देखकर भी काम, कोई भी आता भी है तो बोलता है कहाँ से काम हुआ। यहाँ तक जो मेरे फ्रेंड है, जो बाहर के मेरे फ्रेंड, वो भी इनका नंबर मांगते हैं, जो लखनऊ में है। चाहे जब भी मैं सडनली अपना क्लाइंट के पास गया था, वो भी इनका नंबर मांगा है उनसे काम करवाने के लिए ऑफिस का। अच्छा काम है, इनसे काम करा के आपको खुशी होगी। एंड ऑफ द डे कोई भी काम करने के बाद जब ऐसा तारीफ सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बिज़नेस बिज़नेस की जगह पे है, काम काम की जगह पे है, प्रॉफिट प्रॉफिट की जगह पे है, लेकिन ये जो तारीफ़ मिलता है काम करने के बाद, ये मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लेवल का होता है।